उदय प्रकाश हिंदी साहित्य के समकालीन कहानीकार है। सुनो कारीगर अबूतर कबूतर रात में हारमोनियम एक भाष हुआ करती है आदि उदय प्रकाश का काव्य संग्रह है। दरियाई घोड़ा तिरिच और अंत में प्रार्थना पॉल गोमरा का स्कूटर पीली छतरी वाली लड़की अरेबा परेबा मैंगोसिल आदि कहानी संग्रह है। ईश्वर की आंख अपनी उनकी बात और नई सदी का पंचतंत्र क्रमशः निबंध आलोचना और साक्षात्कारों का संकलन है। अपराध नामक कहानी में लेखक बचपन की एक अविस्मरणीय घटना को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पोलियोग्रस्त अपाहिज और 6 साल बड़े भाई और लेखक का रिश्ता इस कहानी में हमें देख सकेंगे। बड़ा भाई हमेशा छोटे के साथ रहता है और उसे बहुत स्नेह करता है। गांव के सभी बच्चे 6 साल बड़े होने के कारण कोई भी लेखक को अपने साथ अपने टॉली में रखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि लेखक दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा भी। लेकिन भाई तो अपाहिज होने पर भी वो बहुत सुंदर था, देवताओं की तरह, लेखक बता रहा है। आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। ऐसे भाई हमेशा लेखक को अपने साथ ही लेकर चलते थे, खेलते वक्त भी और कहीं जाते वक्त भी। एक दिन खेल में बड़े ने छोटे की उपेक्षा की। उस दिन में बच्चे खड़बल खेल रहे थे। खड़बल ऐसी एक खेल है जिसमें कोई टोली नहीं होती, सबको अकेला खेलना है। पूरी ताकत से खड़बल को जमीन पर आगे की ओर गति देते हुए सीधे मारा जाना था। उस दिन शाम की धूप में बच्चे उल्लास के साथ खेल रहे थे और भाई भी उस खेल में मग्न होकर लेखक को भूल गए। इसे खिन्न लेखक ने अपने खटबल को पत्थर में फेंका और वो खटबल लगकर उसके माथे में चोटी पड़ता है। चोट पड़ने के तुरंत बाद वो घर की ओर भागता है और माम को बता देती है कि बड़े भाई ने मारा है। इस पर पिता बड़े भाई को बुरी तरह पिटाई करता है। उस वक्त भी भाई के आंखों में, लेखक बता रहे हैं, उनकी आंखें लाल थी और उनमें करुणा और कातरता थी। लेकिन वो लेखक से याचना कर रहे थे कि मैं सच बोल दूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब लेखक सच बोलेंगे तो लेखक को भी मार खाना पड़ेगा, इसलिए लेखक चुप रहता है और उसको बहुत मार भी मिलता है। लेकिन ये नहीं होता। बरसों पुरानी बचपन की इस घटना को अपराध बोध से ग्रस्त छोटा भाई अब सजा भुगतना चाहता है, लेकिन माफी मांगना चाहता है, लेकिन बड़े भाई को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। और फिर माफी मांगने का दो व्यक्ति थे, माताजी और पिताजी, दोनों मर चुके हैं। मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी लेखक को
माफी दे नहीं सकता। अपराध कहानी की अंतिम पंक्ति देखिए, तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है? क्या ये ऐसा अपराध नहीं है जिसके बारे में लिया गया जो निर्णय था वो गलत और अन्यायपूर्ण था, लेकिन जिसे अब बदला नहीं जा सकता? और क्या ये ऐसा अपराध नहीं है जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मुक्ति अब असंभव हो चुका है? ये हमें बताती है कि संबंधों से मुक्ति असंभव हो चुकी है। यही इस कहानी का संक्षिप्त रूप